बीते दिन मोहाली संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से संत निरंकारी सत्संग भवन फेस 6 में 21वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ सरदार बलबीर सिंह सिद्धू स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण विभाग पंजाब ने अपने कर कमलों द्वारा किया। इस शिविर में तकरीबन 551 श्रद्धालुओं सहित 106 महिलाओं ने रक्तदान के इस महायज्ञ में अपना योगदान दिया। मिशन ने एक बहुत अच्छा काम 1986 से कर रहे हैं और 11 लाख के करीब इससे पहले ब्लड डोनेट कर चुके हैं। एक बहुत ही मार्के वाली बहुत ही अच्छी बात है। कोई आज के डेट में ब्लड की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा जो जीवन है उसमें कन्वीनियंस ज़्यादा हो रही है, एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, प्लस और बहुत सारी डिसीजेज हैं और उनके लिए ब्लड की बहुत अहम ज़रूरत होती है। उसको ये पूरा करते हैं तो मैं तो इस मिशन को इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और बगैर किसी उसके इतना बड़ा कार्य करना सरकारी सपोर्ट के बहुत आसान काम नहीं, और ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। संसार मेरी तकलीफ पर सारी पब्लिक को मैं अपील करना चाहता हूँ कि भाई आज की डेट में पहले तो लोगों को बहुत डर लगता था कुछ कर देने से, लेकिन आज लोग अपने आप आ रहे हैं, अवेयरनेस लोगों में आ रही है और इसकी ज़रूरत को भी समझ रहे हैं अभी क्या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जब कोई PGI में या किसी जगह पर कोई ऑपरेशन होता है, जब एक्सीडेंट में किसी की जान जाती है, ब्लड के बगैर जाती है, तो उस टाइम बहुत महसूस होता है, पर इस काम से बहुत सारे लोगों को एक नया जीवन मिलेगा और बहुत सारे लोगों को एक नई ज़िंदगी और साथ में काम मिलेगा। कि जो आज वातावरण की बात है उसको ठीक करने के लिए, प्लस जो वाटर जो डे बाई डे हमारा वो नीचे जा रहा है, वाटर टेबल नीचे जा रहा है, उसको बचाने के लिए एक सरकार वो काम नहीं कर रही है। तो ये जो मिशन है, मैं इनको भी सबको अपील कर रहा, ये भी पैसे तो पहले बहुत काम कर रहे हैं, इनमें उसमें सहूलियत करें और पौधे लगाएं और अच्छा होगा, और खास करके जो ये ब्लड वाला काम है ये तो बहुत ही उत्तम मोबल का। इस अवसर पर संत निरंकारी मंडल की मोहाली ब्रांच की संयोजक डॉक्टर JK चीमा ने स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के मंत्री सरदार बलबीर सिंह सिद्धू, रक्तदाओं व आसपास के क्षेत्र से आए सभी श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। दसी दा नाम डॉक्टर मिसेज चीमा, संयोजक मोहाली ब्रांच। ब्लड डोनेशन कैंप आप सबको पता है कि 1986 से शुरू हुए थे, जब बाबा जी ने खुद इनॉग्रेट भी किया, ब्लड भी डोनेट किया। उससे लेकर आज तक लगातार ये कैंप लगते आ रहे हैं और मार्च 2019 तक हमारे 6076 कैंप्स लग चुके हैं और रफली जैसे वजीर साहब ने भी कहा 11 लाख के करीब, तो 10,36,350 यूनिट्स हो चुके हैं और भी अप्रैल ऑनवर्ड भी शुरू हैं। और इस बार 24 अप्रैल को थ्रू आउट इंडिया 81 कैंप्स लगे थे, इतना पर्व कर है। और बाबा जी जाते जाते सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी हमें एक ब्लड बैंक भी दे गए बॉम्बे में 26 जनवरी को 2016 को, वो लास्ट था उनका यहाँ। उसके बाद वो अप्रैल में चले गए थे USA, और आप सबको पता उसके बाद हमारे को शरीर ग्रुप में हम उनको नहीं दर्शन कर पाए। निरंकारी मिशन के द्वारा अब ऑर्गन डोनेट के भी फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, तो क्या आगे भी ये कार्रवाई जारी? हम कर रहे हैं, इंडिविजुअल तौर पे कर रहे हैं। PGI से हम फॉर्म मंगवाते हैं, परमात्मा को देते हैं, फिर उनका कार्ड बन के आता है। तो हमें हमारे एक महात्मा यहाँ थे कृपाल सिंह जी, उनकी डेथ हुई थी पिछले साल दिसंबर से, तो उनका ब्लड PGI वाले उनकी बॉडी ले गए थे। ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि सतगुरु माता सुविंदर जी को भी हम समर्पित हैं, क्योंकि दसी को याद है लास्ट ईयर हमारा ब्लड डोनेशन कैंप 5 अगस्त को लगा था, तो हम वाइंड अप में थे जब दिल्ली से हमें मैसेज आ गया कि माता जी ब्रह्मलीन हो गए, या समझ लो नकार में लीन हो गए। तो उनका भी आज हम दिन मना रहे हैं, उनको समर्पित है। निरंकारी सत्संग भवन में हुए रक्तदान शिविर में 103 बार रक्तदान करने वाले विनय कौशल जी भी मौजूद रहे। मेरा नाम विनय कौशल है और मैंने 103 बार, आज मेरा 103 बार ब्लड डोनेशन हो चुका है और इस सारे का श्रेय निरंकारी मिशन को जाता है। इनकी प्रेरणा से ही मैं आज तक
जो भी ब्लड डोनेट करता है वो जहाँ जहाँ कैंप देखते हैं मैं भीतर रहता हूँ। इसके अलावा भी अलग अलग संस्थाओं के थ्रू मैं ब्लड डोनेट करता रहता हूँ, लेकिन इसका सारा श्रेय निरंकारी मिशन को ही जाता है। नहीं, मैं आपके सामने आज भी 55 ईयर्स ओल्ड है और मैं खून दान देने के बाद अपने आप को फिर दोबारा हेल्थी महसूस करता हूँ, दोबारा बिल्कुल एकदम ताकतवर, कोई वीकनेस नहीं होती। तो कभी आपको सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा सम्मानित किया गया हो? हाँ जी, हाँ जी, मेरे को सम्मानित किया था गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी, पंजाब एंड हरियाणा होते थे उनके थ्रू, ये है उनका। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी जी, चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी जी, उन्होंने मेरे को इस साल ही किया था सम्मानित। और पिछले साल आर के साबू साहब, प्रेसिडेंट ऑफ रोटोरियन रोटरी ब्लड बैंक सोसाइटी 37, उन्होंने भी किया था, ये उनका फोटोग्राफ है। आर के साबू साहब, पद्मश्री आर के साबू। बाकी मेरे को सीएम हरियाणा ने भी सम्मानित किया है, कुछ 10 साल पहले हुआ था, ये भी समारोह रोटरी ब्लड बैंक सोसाइटी 37 में। और भी कई महापुरुषों के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। तो इन सब का क्रेडिट आप मिशन को ही देना चाहोगे? इसका सारे का सारा क्रेडिट निरंकारी मिशन को जाता है, क्योंकि बचपन में तो नहीं लेकिन शादी के बाद हम निरंकारी मिशन से जुड़े हैं, तो सारा का सारा ही श्रेय जो है निरंकारी मिशन को जाता है। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से मंदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।